दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपडेट या हाउ टू लिंक योर मोबाइल नंबर इन आधार कार्ड। तो कैसे, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का है और इसमें एग्जैक्ट जानकारी की बात करें तो आपको इतने सारे, अगर आप वीडियो देख लें तो शायद ये कि आपको एग्जैक्ट जानकारी इस क्वेश्चन की मिल पाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियो बना रखे हैं लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं मिलेगी कि अपने मोबाइल को आधार से कैसे लिंक करें या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें। तो इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाऊँगा। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाउ टू लिंक मोबाइल विद आधार कार्ड। तो इसका मैंने आर्टिकल भी लिखा है, तो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी भी ले लेंगे, वहाँ पर सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको पहले आपके UID का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूँगा, क्या मोबाइल को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है या नहीं, क्या ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं। अगर आप हाउ टू लिंक डाल देंगे ना गूगल पे या फेसबुक पे या आप यूट्यूब पर, तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलता हाउ टू लिंक मोबाइल नंबर विथ आधार कार्ड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए मैं आपको डायरेक्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलूँगा और डायरेक्ट आपकी UID का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूँगा। तो यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो देख सकते हैं UID का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर माई आधार के सेक्शन में आना होगा, अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं या अपडेट आधार एट इनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपको ये फैसिलिटी मिलती है जो आप ऑनलाइन यहाँ पर चेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड कर सकते हैं अपने आधार को, PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, स्टेटस चेक कर सकते हैं PVC कार्ड का, इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ऑनलाइन कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकें। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने नियरेस्ट जनसेवा केंद्र या नियरेस्ट आधार सेंटर ही जाना होता है। तो अगर आपके बारे में सपोज दैट कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि आप उसे बहुत ही आसानी से लिंक करा सकते हैं। पहला, तो अगर आप नज़दीक में ही कराना चाहते हैं तो आपके आसपास पोस्ट ऑफिस ज़रूर होगा और आपके सरकार ने इसे अथोराइज्ड कर दिया पोस्ट ऑफिस को, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर अपने आधार में मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं। वहाँ पर कुछ ₹50 अप्रॉक्स लिया जाता है अपडेशन का, वो आपको देना होगा और आपको अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। या सेकंड थिंग की बात करें तो आप अपने नज़दीकी जो भी आधार सेंटर हो वहाँ जाकर भी आप करा सकते हैं। आधार सेंटर में जाना इस वजह से थोड़ा टफ हो जाता है कि हो सकता है आपके नियरेस्ट कोई आधार सेंटर ना हो, या हो सकता है वहाँ पर बहुत सारी भीड़ या लाइन लगी रहती हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप नियरेस्ट में आपके जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर आधार अपडेट की सर्विस स्टार्ट है और आधार अपडेट में वहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक होते हैं। तो आप किसी भी अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएँ, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या नियरेस्ट पता करने के लिए आपके नियरेस्ट आधार सेंटर कौन है उसके लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे और माई आधार के सेक्शन में जाकर अपडेट आधार एट इनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लोकेशन मिल जाएगी कि आपके आसपास कौन सा आधार सेंटर। इसके लिए आप स्टेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पोस्टल पिन कोड के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके नियरेस्ट में कौन सा आधार, आपने अपने यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, साथ साथ ही कैप्चा डालेंगे और लोकेट आ सेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने अपना पिन कोड डालकर सर्च किया तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला, रजिस्ट्रार, देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहला ही नाम आता है जो कि एड्रेस दिया आधार सेंटर फॉर मोबाइल अपडेट एंड चाइल्ड एनरोलमेंट जलालपुर कानपुर देहात भोगनीपुर पे दिया हुआ है। वही बात करें, एक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही एड्रेस आया है जो कि आधार मोबाइल अपडेट एंड CELC सेंटर सिथरा बुजुर्ग कानपुर दिया है, सिथरा बुजुर्ग का नाम दिया गया है, और एक और आधार सेंटर का दिया है जो कि कैलई कानपुर नगर घाटमपुर में पड़ता है। तो इस पिन कोड पे तीन एड्रेस दिए गए जहां पर आप जाकर अपने आसानी से अपने मोबाइल को आधार से लिंक करा सकते हैं। आप कोई भी यहां पर बैंक जाएंगे, कोई भी अपने नियरेस्ट का पिन कोड डालेंगे आसपास का जो भी आपका पास पिन कोड हो, और वो डालकर आप ये कैप्चा डालकर यहाँ सर्च करेंगे तो आपके आसपास जितने भी आधार सेंटर होंगे और आसानी से आप उन्हें सर्च करके और वहाँ पर जा करके अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। देखिए मैंने एक और पिन कोड डाला तो यहाँ पर भी लगभग छः से सात सेंटर दिखा दिए कि यहाँ पर सात सेंटर हैं इस वाले पिन कोड के अंदर, और आसानी से यहाँ पर जाकर अपने आधार पे मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या ऑनलाइन ये प्रोसीजर नहीं होता, तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, ऑनलाइन कोई भी ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है जब अपने आधार में अपने मोबाइल को लिंक करा सकें।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर ही जाना होगा, इसके बाद ही आप अपने आधार मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं। तो ये अपडेट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो सर्च करते हैं ना हाउ टू अपडेट मोबाइल नंबर इन आधार कार्ड ऑनलाइन, ये आपको हो सकता है बहुत सारी वीडियो मिले, बट मैं आपको बताऊंगा वो भी आपको ऑफलाइन ही तरीका बताएं, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है जिससे मोबाइल नंबर को अपडेट ऑनलाइन किया जा सके। अब अपडेट की बात करते हैं, एक लिंक की बात करते हैं, नया आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर लिंक करना या आपका ऑलरेडी पहले से लिंक है उसे अपडेट करना, दोनों अलग अलग थिंग्स हैं, दोनों आप आधार सेंटर में जाकर करा सकते हैं। इसके लिए ₹50 का आपको चार्जेस देने होते हैं जो कि UID के द्वारा ऑथराइज्ड फीस है। तो आप इसे पे करके अपने आधार मोबाइल नंबर लगवा सकते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट है, बेनिफिट वगैरह मैंने सारे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, एक पोस्ट लिखा है मैंने, उस पर आप देख सकते हैं कि अपने आधार को मोबाइल से लिंक कराने के क्या क्या बेनिफिट है, वो सारा मैंने बता रखा। पोस्ट को आप विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।